देश में जगना ये शूरवीरता है। वे धन भागी है ऑफिसर, वे बड़ भागी है धनवान जो आत्मधन के लिए भी कुछ कर पाते हैं। वे बड़ भागी है भक्त जो बाहर के मंदिर में जाने का फल अंतर आत्मा के हृदय मंदिर में प्रवेश पा लेते। वाह आनंद है। माधुरी है, मधुमय प्रभात, तापी का तट। श्री कृष्ण ने तो बरसाई थी, वन निगाहों की अमृत धारा शरद पूनम की रात, और यहां तो पूनम की प्रभात। 5226 वर्ष पहले ग्वाल गोपों को जो अमृत आनंद का एहसास हुआ था वो हमने आपने सुना है, लेकिन आप तो देख रहे हैं उन पागल और पगलियों को कैसे पी रहे हैं, छक रहे हैं। हरि नाम की प्यालियां घोल घोल कर पी, झुम झुम कर पी, चाहे चुप होकर पी, गुनगुना कर पी, चाहे ऐसे वैसे पी, और पी 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 आनंद है, माधुर्य है। कोई कल्पना नहीं कर सकता कि 40,000 लोग, 50,000 लोग, चाहे कितने भी 25, 50, 40 जो भी हो, इतने सारे बैठे हो, कोई कल्पना नहीं कर सकता। महावीर के चरणों में 40,000 लोग बैठे रहते, बाहर से आने वाले जब भीतर आते तो सोचते कि ओ इतने सारे लोग और इतना शांत वातावरण। ध्यान कुछ ऐसी ही ऊंचाइयों में, ऐसी ही मधुर सुख की स्नेहमयी अनुभूतियों में ले जाता है कि मन मस्त भया अब क्या बोले। घर में ही खुदाई देख ली तो काबा में सिजदा कौन करे। मंसूरी मस्ती को लोग बिचारे क्या जाने, दिलबर की हस्ती को लोग बिचारे क्या जाने। आनंद और शांति, शारीरिक तनाव, मानसिक तनाव, भावनात्मक तनाव सभी छू हो जाते हैं। साधना करनी नहीं पड़ती, शक्तिपात के बाद साधना होने लगती है। अंतरात्मा का एक बार गुरु कृपा के द्वारा स्वाद चखने वाला मन अपने आप चल पड़ता है। क्रियाएं होगी, कभी आसन होंगे, कभी हास्य होगा, कभी नृत्य होगा। प्रेम की बोली का नाम है संगीत, प्रेम की चाल का नाम है नृत्य। जब प्रेमा भक्ति का रस छलकेगा तो जो बोलोगे संगीतमय हो जाएगा, पैरों में थिरकन आ जाएगी, चाल में नृत्य आ जाएगा, आंखों में स्नेह छलकेगा, वाणी में मांगल्य माधुर्य आ जाएगा। पृथ्वी पर के देव हो जाओगे, हो ही रहे हो, और शांति
आनंद, ओम माधुर्य। हे ईश्वर कृपा, हे गुरु कृपा, तू हमारा दिल छोड़कर कभी न जाना। हे मातेश्वरी, हे जगदेश्वरी। ज्ञानेश्वर कहते हैं कि गुरु कृपा, तू मेरे दिल में सदा निवास करना मैया। हे मधुमय माँ, हे माजी मावली, मावली रे गुरु मावली, गुरु कृपा मावली। महाराष्ट्र में तो गुरुदेव को भी मैया बोलते। ये स्नेहमय शब्द आद्य शंकराचार्य ने भी श्री कृष्ण को कहा। उनके स्तोत्र में श्री कृष्ण की उस मधुमय प्रार्थना करते आद्य शंकराचार्य ने कहा, हे कृष्ण रूपी माँ, मेरा ख्याल रखना तू माँ। ऐसा नहीं कि कहीं इधर उधर देखे, तेरे शंकराचार्य रूपी बालक पर भी माँ, कृष्ण रूपी माँ तू निगाह रखना। माजी मावली, प्रेम तो प्रभु को माँ बना सकता है, बाप बना सकता है, सखा बना सकता है, मित्र बना सकता है, अरे पुत्र भी बना सकता है। प्रेम में तो बड़ी बड़ाई है। है, है माजी मावली। ओए हो, मीरा की मस्ती को लोग क्या जाने, गोपियों की हस्ती को लोग बिचारे क्या जाने, साधक की इस आंतरिक मस्ती और हस्ती को बाहर के लोग बिचारे क्या जाने। वे हो, अब हम ध्यान कर नहीं रहे, ध्यान का रस अपने आप उभर रहा है। भला होया मेरा चरखा टूटिया, जिंद सभा में छुट्टी, गहने गवाए हुई बेफिक्री, बाहु रही ना बुट्टी। ओम आनंद, ओम आनंद, ओम आनंद, ओम ओम आनंद, ओम आनंद, ओम 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 वो थे न मुझसे दूर, न मैं उनसे दूर था, ना आता न था, नजर तो नजर का कसूर था ना। बोलो ऐसा हो रहा है ना, वो कहीं दूर था प्यारा, बोलो प्रभु कहीं दूर था, वैकुंट में ही था तो यहाँ नहीं था। अरे जो परमात्मा है वो तो सर्वत्र है, जो सर्वत्र है वो यहाँ है, जो यहाँ है वो अभी भी है, जो सदा है वो अभी भी है, सर्वत्र है वो यहाँ भी है। जो आनंद स्वरूप है तो ये आ रहा है आनंद, तो कोई पकोड़े का आनंद थोड़े है भाई, ये परमात्मा का आनंद है। समझ ले मन, दर्शन यही है। कहीं बाहर के भगवान को पुकार कर परेशानी मत पैदा करना। तुम जाओ, वहीं वो बैठा है, वहीं वो रहता है, वहीं वो है, और अभी उसी का तो आनंद है। ओम आनंद, ओ हो, हे हे, ओ मेरे दिल के देवता, ओ हो।